हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले पढ़ने वाले हैं मैकबेथ। मैकबेथ का दूसरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है। 1606-7 में लिखा गया था और शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडीज लिखी हैं उसमें यह सबसे शॉर्टेस्ट है। इसमें और कोई दूसरा सब प्लॉट नहीं है, कहानी जो है वो एक ही है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर हम मैकबेथ को प्रोटेगनिस्ट माने तो बाकी जितने करेक्टर्स हैं वो एंटेगोनिस्ट हैं। मैकबेथ की कहानी स्कॉटलैंड की 11th सेंचुरी से ली गई है, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्ले नहीं है क्योंकि इसमें फैक्ट्स को काफ़ी तोड़ दिया गया है और इमेजिनेशन का बहुत यूज़ करा हुआ है। इस प्ले को स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जेम्स फर्स्ट, वो इससे पहले स्कॉटलैंड के राजा थे और वहाँ पर उनका नाम था जेम्स सिक्स। एज ए ट्रिब्यूट शेक्सपियर ने ये प्ले उन्हें लिखा था और इसी वजह से इसे स्कॉटिश प्ले कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। अगर मैं इसमें से क्वेश्चन बनाऊंगा, जो ये मैंने बनाया है स्लाइड, इसमें 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप बस केवल इसे पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, इस यही अपने आप को पूरा कम्प्लीटली कवर कर लेगा। थॉमस डी क्विंसी जो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, उन्होंने 1823 में एक एसे लिखा था ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। इस एसे, ये एसे रिलेटेड है एक्ट सेकेंड सीन थर्ड से और इस समय तक किंग डंकन का मर्डर हो चुका है। पॉटर कैसल के गेट पर नॉकिंग सुनता है और ये नॉकिंग है, ये पॉटर सीन एक्ट सेकंड सीन थर्ड को ओपन करती है। डी क्विंसी लिखते हैं इस नॉकिंग के बारे में, इट रिफ्लेक्टेड बैक अपॉन द मर्डरर अ पेक्यूलर ऑफुलनेस एंड अ डेप्थ ऑफ सॉलेमनिटी। ये जो नॉकिंग है ये मर्डरर की भयानकता और गंभीरता को दर्शाती है। और इस तरीके से थॉमस डी क्विंसी ने इस प्ले की साइकोलॉजिकल रीडिंग करी है। सोर्स की बात करें तो शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ली है रेफिल हॉलेनशेट के द्वारा लिखी गई बुक क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से। साथ ही जो जेम्स फर्स्ट थे किंग, वो खुद एक राइटर थे और उन्होंने बुक लिखी थी डैम लॉक, उससे भी इन्फॉर्मेशन ली है। ड्रामेटिस पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी समरी को पढ़ लेते हैं और इसे पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार समरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, इनका मर्डर हो जाता है। मेलकम डंकन का बड़ा बेटा है जो अपने फादर के मर्डर के बाद में इंग्लैंड भाग जाता है और ये बाद में राजा बनता है। डोनाल्बिन डंकन का छोटा बेटा है, अपने फादर के मर्डर के बाद में ये आयरलैंड भाग जाता है ताकि वहाँ पे वो सेफ रह सके। मैकबेथ किंग डंकन की आर्मी में जनरल है, पहले ये थाने ऑफ लेमिस था, बाद में थाने ऑफ कॉर्डर बनता है और बाद में किंग बनता है स्कॉटलैंड का। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है और बाद में ये स्कॉटलैंड की क्वीन बनती है। बैंको की बात करें, मैकबेथ का फ्रेंड है और किंग डंकन की आर्मी में ये भी जनरल है। विचेज इसके बारे में भी प्रोफेसी करती हैं, तो विचेज मैकबेथ और बैंको के बारे में प्रोफेसी करती हैं। फ्लेंस बैंको का बेटा है। मैकडफ थाने ऑफ फाइफ है। जब मेलकम इंग्लैंड भाग जाता है तो मैकडफ उसके पीछे आता है मनाने कि तुम इंग्लैंड आर्मी की सहायता से स्कॉटलैंड पर हमला करो और उसे आज़ाद करो, और लास्ट में मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। सिवार्ड जो इंग्लिश फोर्स मैकबेथ के खिलाफ लड़ती हैं उसकी आर्मी का जनरल है। यंग सिवार्ड सिवार्ड का बेटा है। हैकेट क्वीन ऑफ विचेज हैं और थ्री विचेज, इनको वियर्ड सिस्टर्स भी कहा गया है और इनकी स्पीच जो है वो पैराडॉक्स और एम्बिगिटी से भरी हुई है, उसमें मीनिंग क्लियर नहीं आता। एक्ट फर्स्ट सारी एक्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सीन सेट है ओपन प्लेस में, यहाँ पे फर्स्ट विच फर्स्ट डायलॉग बोलती है वेन शैल वी मीट थ्री अगेन, और बाद में तीनों विचेस कहती हैं फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। हमें पता लगता है कि स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही है आसपास की कंट्रीज से, आयरलैंड हेब्राइड्स और नॉर्वे से। स्कॉटलैंड ये लड़ाई जीत जाता है और जो थाने ऑफ कॉर्डर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किंग डंकन मैकबेथ को थाने ऑफ कॉर्डर बना देते हैं। विचेस मैकबेथ और बैंको से मिलती हैं और मैकबेथ को कहती हैं थाने ऑफ ग्लेमिस, जो इस समय वो टाइटल है, और कहती हैं थाने ऑफ कॉर्डर। मैकबेथ को नहीं पता कि वो थाने ऑफ कॉर्डर बनाया जा चुका है। विचेस ये भी कहती हैं कि मैकबेथ एक दिन राजा बनेगा और वो बैंको से कहती हैं लेसर देन मैकबेथ, तो मैकबेथ से भले ही कम हो लेकिन ज़्यादा महान होगे, तुम भले ही हैप्पी ना हो लेकिन ज़्यादा खुश रहोगे। और ये भी कहते हैं कि ही विल नेवर बी किंग बट हिज चिल्ड्रन विल सिट अपॉन द थ्रोन, भले ही वो राजा नहीं बनेगा लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मैकबेथ के कैसल इनवरनेस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ही किंग डंकन का मर्डर होता है। मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है और पूरी जानकारी देता है कि कैसे वो थ्री विचेस से मिला था, उन्होंने क्या भविष्यवाणी करी है, और ये भी बताता है कि किंग डंकन जो है वो उनके कैसल इनवरनेस में आ रहे हैं एज ए गेस्ट,
लेडी मैकबेथ को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर किंग डंगन का वो मर्डर कर दें तो किंगशिप जो है वो उसके हस्बैंड के पास पहुंच जाएगी। लेडी मैकबेथ सुपर नेचुरल पावर से प्रे करती है कि वो उसे अनसेक्स कर दें, दैट इज़ टू ड्राइव आउट ऑल दैट इज़ वीक और वॉमनिश इन हर बॉडी, जो कुछ उसके अंदर कमजोरियाँ हैं वो सब ख़त्म कर दें। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों के बीच में यहाँ पे आर्गुमेंट चल रहा है। लेडी मैकबेथ ने प्लान बनाया है कि वो कैसे किंग डंकन का मर्डर कर देंगे, क्योंकि एज ए गेस्ट वो यहाँ पर आए हैं और वो आसानी से कर सकते हैं। मैकबेथ डर जाता है ये प्लानिंग सुनकर, और तब उसकी वाइफ उसको कहती है कि तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी मैनहुड का प्रूव करना होगा किंग डंकन का मर्डर करके, और ये भी कहती है कि अगर सिचुएशन फिट हो तो वो अपने बेबी का भी मर्डर करने से नहीं पीछे हटती। लेडी मैकबेथ कहती है, टू बिगाइल द टाइम लुक लाइक द टाइम बी आर वेलकम इन योर आई, टाइम का फ़ायदा उठाओ उसको वेलकम करो, योर हैंड योर टंग लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, तुम्हारे जो हाथ हैं और टंग हैं वो इनोसेंट फ्लावर की तरह नजर आए, बट बी द सरपेंट अंडरनीथ लेकिन अंदर तुम्हारे सरपेंट हो। शी विल मेक टू डंकन्स गार्ड सो ड्रंक दैट दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, वो जो डंकन के बॉडी गार्ड्स हैं दो उनको इतना ज़्यादा ड्रिंक सर्व करेगी कि वो बेहोश हो जाएंगे और उन पर ही आरोप बाद में लगाया जाएगा और उन्हें कुछ ध्यान भी नहीं रहेगा। वो मैकबेथ को कन्विंस करती है कि उसे ये हॉरिड डीड किंग डंकन का मर्डर करना होगा। ये पूछा गया हॉरिड डीड किंग डंकन का मर्डर, मैकबेथ कहता है, आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे उत्तेजित कर रही हो सिवाय वॉल्टिंग एम्बिशन के। तो मैकबेथ का जो फ्लॉ है करेक्टर का वो है वॉल्टिंग एम्बिशन, एम्बिशियस होना ही उसके लिए खतरनाक था। एट सेकंड, मैकबेथ को हेलुसिनेशन की दिक्कत थी, उसे चीजें दिखाई देती थी। जब वो किंग डंकन के रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे सामने एक डैजर दिखाई देता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। ये जो रात दिखाई गई है बहुत भयानक है, आउल क्रिकेट शोर मचा रहे हैं। लेडी मैकबेथ खुश है क्योंकि उसने सक्सेसफुली किंग डंकन के जो टू गार्ड्स हैं उनके वाइन में ड्रग मिला दिए, और वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है अगर किंग डंकन उसके फादर से नहीं मिलते जुलते तो वो खुद उसका मर्डर कर देती। मैकबेथ किंग डंकन के रूम में जाता है और मर्डर कर देता है। जब वो वापस आता है तो बहुत डरा हुआ होता है जो कुछ उसने करा है। वो अपनी वाइफ से बताता है कि जो गार्ड्स थे सोए हुए वो अपनी नींद में चिल्ला रहे थे मर्डर एंड गॉड ब्लेस अस, और वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो आमीन भी नहीं कह पाया। मैकबेथ जैसे हेलुसिनेशन की दिक्कत थी, वो एक आवाज़ सुनी उसने वहाँ पर, स्लीप नो मोर, वो नहीं सोएगा। मैकबेथ अपनी वाइफ को ब्लडी डैजर दिखलाता है और हाथ में लगा हुआ खून। लेडी मैकबेथ उस डैजर को लेती है और वो सोए हुए गार्ड्स के पास में रख देती है ताकि सारा का सारा ब्लेम जो है वो उनके ऊपर ही जाए, और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो थोड़े से पानी से अपने हाथ और इस गिल्ट को साफ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है इसमें। एट सेकंड सीन थर्ड, यहाँ पर पॉटर सीन शुरू होता है। पॉटर जो है वो चिड़चिड़ा है क्योंकि आधी रात का समय और नॉकिंग हो रही है। पॉटर इमेजिन करता है कि वो हेल गेट का पॉटर है। वो कहता है, हु इज देयर, आई एम द नेम ऑफ विल्जबब। ही ओपन्स द गेट टू अलाउ मैकडफ एंड द थाने ऑफ लेनेक्स टू एंटर। गेट खोलता है तब मैकडफ और थाने ऑफ लेनेक्स वहाँ पर आते हैं, तो दो जने आते हैं। मैकडफ कारण पूछता है कि उसने आखिर इतना टाइम क्यों लिया गेट को खोलने का। तो पॉटर बताता है कि बहुत ज़्यादा वाइन पिए हुआ था और वो वाइन पीने के फ़ायदे बतलाता है। तो यहाँ पर कॉमिक रिलीफ आया है इस ट्रेजेडी के बीच में। मैकडफ ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने किंग डंकन की बॉडी को देखा है। वो बाहर आता है इस हॉरिबल साइट को देखकर और शोर मचाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैकबेथ भी वहाँ पर आता है, इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और गुस्से में किंग डंकन के जो टू गार्ड्स हैं उनको मार देता है ताकि यही ना पता लग पाए कि किसने किंग डंकन का मर्डर करा है। किंग डंकन के दो बेटे थे मेलकम और डोनाल्बिन, ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इनको जान को भी खतरा है और दोनों वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं, और इस तरीके से जो किंगशिप है वो मैकबेथ के पास पहुंच जाती है। थर्ड, मैकबेथ बेंगो को अपने रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि विचेस ने भविष्यवाणी करी थी कि बेंगो के बच्चे एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे, तो उसने टू मर्डर्स को हायर करा हुआ है ताकि बेंगो और उसका बेटा फ्लेंस का मर्डर करा जा सके। एक तीसरा मर्डर भी आ जाता है। मर्डर जो हैं वो बेंगो को तो मार देते हैं
लेकिन अंधेरी की वजह से जो फ्लेंस है वो भाग जाता है। मैकबेथ और उसकी वाइफ ने एक पार्टी का आयोजन करा हुआ है, सारे गेस्ट चेयर्स पर बैठे हुए हैं। किंग मैकबेथ जब अपनी चेयर की तरफ जाते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी चेयर पर बैंको की घूस बैठी हुई है। मैकबेथ बहुत डर जाता है, चिल्लाने लगता है। लेडी मैकबेथ किसी तरीके से सिचुएशन को मैनेज करती है और जो गेस्ट हैं उनको बतलाती है कि किंग मैकबेथ की तबीयत ख़राब है। थ्री विचेस अपनी गॉडेस हैकेट से मिलती हैं। हैकेट उनको डांटती है कि वो अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रही हैं और ये भी कहती है कि मैकबेथ जो है वो उनका इस्तेमाल केवल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। मैकडफ इंग्लैंड जा चुका है और वो मेलकम को मनाने जाता है कि वो स्कॉटलैंड में हमला करे इंग्लिश आर्मी की सहायता से और मैकबेथ के अत्याचारों से उन्हें बचाए। एक्ट फोर्थ, मैकबेथ विचेस के पास जाता है ताकि वो अपने भविष्य को और जान सके। विचेस अपनी क्वीन हैकेट को बुलाती हैं और यहाँ पे थ्री विजन्स उन्हें उसे दिखाए जाते हैं। फर्स्ट एपरिशन बताती है कि वो मैकडफ से सावधान रहे। सेकेंड एपरिशन बताती है वो कॉन्फिडेंट रहे। नन ऑफ वुमन वॉन्ड विल हार्म हिम, कोई भी वुमन वॉन्ड उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थर्ड एपरिशन बताती है कि उसे डिफीट नहीं करा जा सकता जब तक कि बर्नम वुड, बर्नम का जंगल, खुद उसके कैसल की तरफ ना आ जाए, ये भी संभव नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड प्रोफेसी हैं वो असंभव है। तो मैकबेथ कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसका मर्डर कोई नहीं कर सकता। जब मैकबेथ और पूछता है आगे का कि कौन राजा बनेगा उसके बाद में, तो मैकबेथ को आगे के 8 राजाओं के चित्र दिखलाती है लेकिन कोई भी बैंको से नहीं मिलता। इस चीज़ को देख के मैकबेथ बहुत डर जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मैकडफ के कैसल में। मैकबेथ के हैंचमैन मैकडफ की वाइफ और उसके सन को मार देते हैं जिनका कोई इस पूरी लड़ाई से लेना देना नहीं था। एक्ट फिफ्थ, लेडी मैकबेथ पागल हो चुकी है, उसे नींद में चलने की बीमारी है, सोमनेम्बुलिज्म। वो कहती है आउट डैम्ड स्पॉट, ये जो उसे अपने हाथ पर अब खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे, वो इमेजिन करती है कि किंग का ब्लड उसके हाथ पर है और ये साफ नहीं हो रहा है। शी सेज हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। हाथ में खून के धब्बे लगे हुए हैं और अरब का जितना भी परफ्यूम है वो भी इसको साफ नहीं कर सकता। टू बैड टू बैड, देर इज नॉकिंग एट द गेट, कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो कुछ हो चुका है उससे अब सुधारा नहीं जा सकता। लेनेक्स मेलकम और इंग्लिश फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है और वो बर्नम वुड में कैंप लगाते हैं। मेलकम इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लीफी ब्रांच को काटेंगे और सारे सैनिक लीफी ब्रांच के कैमोफ्लाज में आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से थर्ड प्रोफेसी थी कि बर्नम वुड आगे बढ़ेगा तभी उसकी हार होगी, वो यहाँ पे होती है। सर्वेंट आता है और मैकबेथ को बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे हमें ऑफ स्टेज पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, उसने सुसाइड कर लिया है। मैकबेथ जिसको हमने अब तक थोड़ा कमज़ोर देखा था, उस हेलुसिनेशन की दिक्कत थी, अब हम पाते हैं कि वो बहुत चेंज हो चुका है। वो कहता है लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड दैट ईच इंटरमिनेबल डे ब्रिंग्स अस अननोइंगली क्लोजर टू डेथ। लाइफ मीनिंगलेस है और हमारा हर एक दिन हमें अपनी डेथ के पास ले जाता है। He would rather die now because in the grand scheme of things he is like an actor with a worthless moment on the stage. वो ना पसंद करेगा क्योंकि जो बड़ी चीजें वो कर रहा है उसमें वो केवल एक एक्टर ही है। And no one will remember him after the show is over. और जैसे ये पूरा शो खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी, कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। Macbeth says, tomorrow and tomorrow and tomorrow, life is but a walking shadow. अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज। लाइफ एक वॉकिंग शेडो है, पुअर प्लेयर है जो स्टेज पर परफॉर्म करती है और इसे बाद में नहीं सुना जाता। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन ईडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये कहानी है जो किसी ईडियट ने कही है जिसमें गुस्सा और शोर बहुत है, सिग्निफाइंग नथिंग, और ये कुछ नहीं बताती। तो लाइफ की इनसिग्निफिकेंस को दिखलाया गया है। मैकबेथ लड़ाई के मैदान में मैकडफ से मिलता है और बताता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हर कोई वुमेन वॉन्ड ही है। तब मैकडफ बताता है कि उसे उसकी मदर की वूम से चीर के निकाला गया था। मैकबेथ को यहाँ पर पता लगता है कैसे विचेज ने उसे मूर्ख बनाया और उसको एम्बिगियस प्रोफेसी बतलाई और इस तरीके से मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। सारे लोग मेलकम को राजा बना देते हैं। मेलकम थाने के टाइटल को चेंज करके अर्ल में बदल देता है और मेलकम
डिस्क्राइब करता है लेडी मैकबेथ को बुचर, मैकबेथ की फ्रेंड लाइक क्वीन, इम्पॉर्टेंट है। और वो इनवाइट करता है हर किसी को कॉरोनेशन सेरेमनी के लिए अपने महल इस्कॉन में। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉरोनेशन सेरेमनी हुई थी वो इस्कॉन में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं MCQ फॉर्म में करता तो कम से कम मैं इसमें 10 मिनट लगा देता, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में इसको पूरा करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स इज स्पोकन बाई, ये एक्ट फर्स्ट में आता है। इसमें मैकबेथ जो है वो बतला रहा है कि जो प्रेजेंट फियर्स हैं वो इतने खतरनाक नहीं है जितने कि आने वाली चीज कर सोच कर होता है। ये चीज़ उसने जब बोली थी जब वो सोच रहा होता है किंग डंकन का मर्डर करने के बारे में। सेकंड, हाउ मैनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले, जब हम प्ले को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पे 3 लोग स्कॉटलैंड के राजा बने थे। सबसे पहले डंकन थे, उसके बाद मैकबेथ बना था और फिर बाद में उनका बड़ा बेटा मेलकॉम। थर्ड, हुम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, लेडी मैकबेथ किस पे आरोप लगाती है डंकन के मर्डर का, तो जो डंकन के बॉडीगार्ड से उन पर जिनको उसने ड्रग दे दी थी। फोर्थ, हाउ डज लेडी मैकबेथ डाई, लेडी मैकबेथ की डेथ ऑफ स्टेज होती है जब मैकबेथ लड़ाई के मैदान में होता है, तब एक सर्वेंट उसके पास आता है और बतलाता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर ली है, तो लेडी मैकबेथ की जो डेथ है वो ऑफ स्टेज हुई है। फिफ्थ, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, मैकबेथ कौन से विजन देखता है किंग डंकन का मर्डर करने से पहले। मैकबेथ को हेलुसिनेशन की दिक्कत थी, वो एक फ्लोटिंग डैगर देखता है जो किंग डंकन के चैम्बर की ओर पॉइंट कर रहा होता है। सिक्स, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, इंग्लैंड की आर्मी मेलकम के साथ में मिलकर स्कॉटलैंड पर हमला करती हैं। सेवन्थ, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मेलकम इन इंग्लैंड, मैकडफ हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट, पॉर्टर इमेजिन करता है कि वो हेलगेट का पॉर्टर है। लेडी मैकबेथ मैनिपुलेट्स मैकबेथ बाय क्रिटिसाइजिंग विच ऑफ हिज ट्रेड्स, मैकबेथ मर्डर नहीं करना चाहता था किंग डंकन का, तो लेडी मैकबेथ उसकी मैनहुड मैस्कुलिनिटी को ललकारती, तुम्हें तो प्रूव करना होगा किंग डंकन को मारकर। टेंथ, हु अटर्स दिस, इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली, अगर करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं तो इसे ही करा जाए जल्दी से। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे उद्देश्य को करने के लिए बहका रही हो सिवाय वॉल्टिंग एम्बिशन के। ये सोलीलॉकी मैकबेथ ने एक्ट फर्स्ट में बोली थी। मैकबेथ कहता है कि अगर किंग डंकन का मर्डर ही करना है तो बेहतर इसे कर दिया जाए। हु स्पोक दीज लाइन्स एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट इनमी, ये जो क्वीन थी विचेस की हैकेट उसने बोला है। वो कहती हर इंसान सिक्योरिटी चाहता है और मैकबेथ यहाँ पे जानने के लिए आएगा कि उसके बाद में कौन राजा रहेगा। 12th, हु सेज मैकबेथ इज राइट फॉर शेकिंग, कौन कहता है कि मैकबेथ को अब हराने का टाइम आ गया, मेलकॉम। 13th, हु सेज द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, जो किंग डंकन का जिस रात किंग डंकन का मर्डर हुआ था उससे पहले वाली रात बहुत भयानक थी, मेलकॉम कहता है रात ऐसी लग रही है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। 14th, रॉस रेफर्स टू हुम व्हेन ही सेज बेलोनाज ब्राइडरूम, रॉस ने ये शब्द एक्ट फर्स्ट में कहे थे। रॉस बतलाता है किंग डंकन से कि मैकबेथ लड़ाई के मैदान में इतनी बहादुरी से लड़ रहा था दुश्मनों से जैसे वो बेलोना का हस्बैंड हो, और बेलोना रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतला दी हैं। प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं।